हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल में 4 या 2 या 3 या 1 स्क्रीन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से आकर, जिसका नाम है फ्लोटिंग ऐप। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एक बार, और आपको यहीं पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है सबसे पहले, और आपको एलो कर देना है, और एनेबल नाउ पर क्लिक करना है, और आपको इसको ऑन कर देना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको होम बटन पर जाना है, और आपके सामने एक ये आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें से यूट्यूब को ले लेता हूँ। मैंने यूट्यूब पर क्लिक किया, देखो ये ऐसा आ गया। आप यहाँ पर इसको पकड़ कर कहीं पर भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो ऐसे। तो मैं इस पर सर्च भी कर चला हूँ, आप ऐसे दो दो स्क्रीन चला सकते हो। मैं आपको इसमें व्हाट्सएप भी चला कर दिखाता हूँ, और आपको इसको बड़ा करना तो आप बड़ा भी कर सकते हो। देखिए, मैं आप पर व्हाट्सएप भी चला रहा हूँ और यूट्यूब भी चला रहा हूँ। तो आप ऐसे दो दो स्क्रीन चला सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी स्क्रीन लाऊं, तो मैं भी आपको लाकर दिखाता हूँ। इसमें से मैं लगा लेता हूँ वीडियो प्लेयर, मैंने ले लिया, इसको भी यहीं पर लगा देता हूँ। आप चाहे तो इसमें कितनी भी स्क्रीन लगा सकते हैं, और मैं इसमें एक कैलेंडर ले लेता हूँ। आपको येलो करना है, ये थोड़ा बड़ा है। देखिए, यहाँ पर चार चार स्क्रीन हो गई, तीन तीन हो गई। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। देखिए, म्यूजिक प्लेयर भी ले लेता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर चार चार स्क्रीन लगा सकते हैं। मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियो लगा कर दिखाता हूँ, आप इसमें से कोई वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन आप, मैं यहाँ पर इस स्क्रीन को चला कर दिखाता हूँ यूट्यूब वाली को। मैं यहाँ पर इसको थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, मैं इसमें सर्च करता हूँ। आपको ये दिखेगा नहीं, इसलिए आप इसको ऊपर कर लेना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ये इसमें आ गया है। देखिए, ऐसे आ जाता है। तो आप यहाँ पर एक स्क्रीन को उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक कटा निशान है, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन हट गई। अगर आपको कैलेंडर उठाना है, तो आप यहाँ पर इस गलत निशान को डाल लो, ये हट जाता है ऐसे ऐसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक आपने हमारे लाइक वीडियो नहीं की तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। इससे आपको हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा।